hi everyone today's video is about how you can start teaching abcd to your children i don't want to confuse you we have to start from the basics today i am introducing alphabet a sound phonic i remember when we are kid we don't know phonic है ना हम जब छोटे थे हमें पता नहीं था फ़ोनिक क्या होता है दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था फ़ोनिक से हमारे पेरेंट्स सुबह उठते थे हमें ए बी सी डी पढ़ाना शुरू कर देते थे, थे और हम ऐसे ही सीखे हैं ए फॉर एप्पल एप्पल मीन्स सेव बी फॉर बॉल बॉल मीन्स गेंद हमने ऐसे ही सीखा है बट अभी क्या हो गया ये सब कुछ चेंज हो के फ़ोनिक हो गया एक साउंड वर्ड आ गया फ़ोनिक जो कि हमें बच्चों को सिखाना है स्कूल्स में यही सिखाया जाता है तो इस कोविड सिचुएशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और ये जो टोडलर्स हैं ये छोटे बच्चे हैं इनका तो पूरा प्री के जी जो है वो घर पे ही चला गया इन्होंने कभी स्कूल का तो मुंह देखा ही नहीं तो पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उस बच्चे को फोनिक बताएँ और फ़ोनिक उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ है जिनको पता नहीं है फ़ोनिक क्या होता है है ना जैसे हमने ने कभी पढ़ा नहीं फ़ोनिक और बच्चों को बताना है फोनिक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए क्योंकि स्कूल और घर दोनों मिलाकर अगर बच्चे पढ़ते थे दोनों को कॉम्बो में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी बच्चा ग्रूम अप हो जाता था बट अभी सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर लोड है क्योंकि टीचर्स तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम टीचर्स ऑनलाइन दे रहे हैं अपने एफ़र्ट्स दे रहे हैं बट जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चे वो किसके साथ ज़्यादा कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कर रहे हैं ट्वेंटी फोर तो वो आपके साथ ही हैं तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको फोनिक बताने की लेट स्टार्ट दिस इज़ एल्फ़ाबेट ए एवरी वन नोज़ दिस कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर ए ठीक है अब बच्चों को बताना कैसे है आप एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके घर में सपोज़ कोई पेट है एनिमल है तो जैसे डॉग है आपको वो बताओ डॉग कैसे बोलता है बच्चा बोलेगा वो बाग करता है या फिर वो बताएगा वो भौ भौ करता है कैट कैसे बोलती है कैट म्यू करती है काऊ काउ मोज लायन रोड्स ऐसे सारे एनिमल्स के साउंड आप बच्चों को पता होता है वो मिमिक करते हैं फिर आप पूछो कि मम्मा कैसे बोलती है फिर वो बताएगा मम्मा ऐसे बोलती है सपोज़ बच्चे का नाम अक्षत है तो वो बोले पूछिए आप कि कैसे बोलती है मम्मा तो वो आपको मिमिक करके बताएगा अक्षत व्हाट आर यू डूइंग कम हियर हैव यू लंच वो आपको मिमिक करेगा वैसे ही अगर दादाजी हैं घर में तो वो दादाजी के आवाज़ में थोड़ा भारी करके बोलने की कोशिश करेगा तो आप उसको ऐसे ही बताओ कि ये साउंड है कि अगर भीड़ में भी अगर आपको मम्मा बुलाए या डैडी बुलाए तो आप पहचान जाते हो कैसे पहचान जाते हो उनकी आवाज़ से तो सबका अपना अपना एक आवाज़ है साउंड है वैसे ही अल्फाबेट ए का भी साउंड है है ना बच्चे अब पूछेंगे अल्फ़ाबेट ए कैसे बोलता है वो मैंने तो कभी सुना नहीं बोलते हुए तो आपको बताना है जैसे चीटी आपके शरीर पे चढ़ती है तो काटती है तो आप कैसे चिल्लाते हो ए ए चिल्लाते हो ना तो ए का कैसा साउंड है ए ए कैसे बोलता है ए है ना आप इसको रिपीटेडली बोलिए बच्चों के साथ ए कैसे बोलता है ए अब ए वर्ड कैसे निकालेंगे तो आप उसको ज़रा सा ऐसे उसके एल्बो पे दो फिंगर्स को ऐसे पिस्ट करके उसको पिंच करके बोलिए ए जो आवाज़ निकलेगा वो क्या है ए जैसे कि एंट आपके बॉडी पे से स्क्रॉल कर रही है राइम भी है इसके ऊपर आप गूगल करके और भी राइम्स देख सकते हो आप खुद भी क्रिएटिव हो म, म जो मदर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं उन्हें पता होता है कि वो उनका बच्चा कैसे सीखेगा हंस के सीखेगा या मार के सीखेगा या डांट के सीखेगा वो आप उस इन्वायरमेंट में वो अपने बच्चे को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा तो आप और गूगल अप कर लीजिए मैंने एक सिंपल सा राइम दिया है आपको दैट्स ए रिप्रेजेंट एज अ हिंदी का जो स्वर होता है ना उसका अ, अ, अ। लेकिन अ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इट्स ए क्या है ए ए एन सोन आर्म्स ants my arms ants on my arms my ear, they are causing me alarm ये एक सिंपल सा राइम है आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे सुबह हमारे पेरेंट्स हमें उठा कर शुरू होते थे ये फॉर एप्पल वैसे आप सुबह ऐसे बोल सकते हो ए on my arms ए एन सोन मयाम्स दे आर कॉजिंग मी alarm ठीक है तो अब आप कैसे बताओगे बच्चे को जैसे हम फिर से वही एग्जाम्पल दे रही हूँ ए फॉर एप्पल अब क्या करना है हमें अलग चीज करनी है क्या है वो अलग अब हमें करना है। कहना है ए ए एप्पल ए फॉर एप्पल की जगह पे हमें क्या कहना है ए ए एप्पल ए ए एक्स ए ए आप इस तरह एक स्टोरी भी नरेट कर सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देर वॉज एप्पल ट्री फोकस ज्यादा जोर दे के बोलिए एन एप्पल ट्री वेरी एनिमल्स लीव ट्री वन डे वन डे एन एलिगेट कम टू द जंगल

है ना ये ए का साउंड है ए का साउंड क्या है ए जैसे चीटी चढ़ती है ना हमारी बॉडी पे तो हम कैसे चिल्लाते हैं वो ए ठीक है कल मैं आपको बी साउंड कैसे होता है वो बताऊंगी आज के लिए इतना ही थैंक यू कल मिलते हैं बाय बाय टेक केयर